हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। आज हम हिंदी पढ़ेंगे, सेवेंथ स्टैंडर्ड का हिंदी कविता बसंत गीत। सो ये कविता का आज हम नोट्स डिस्कस करेंगे। ये हमारी नोट्स है और कविता बसंत गीत पेज नंबर 39। आप पेज नंबर 39 टेक्स्ट बुक में, हिंदी टेक्स्ट बुक में आप प्रिफर कर सकते हैं। ऑन पेज नंबर 39 यहाँ पर पद्यांश है, यानी कि पैसेज है पोएम का, कविता का, कहाँ से स्टार्ट है और कहाँ खत्म भी हुआ है वो भी हमें बताया है। सो कली कली से लेकर कोयलिया गांव यहाँ तक का, कली कली से स्टार्ट होकर कोयलिया गांव तक वहां पर खत्म हुआ है। पेज नंबर 39 टेक्स्ट बुक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले कृति क, निम्नलिखित परिचित पढ़कर सूचना के अनुसार कृतियां पूर्ण कीजिए। यहाँ पर हमें कृति पूर्ण करना है। पहले कृति आती है बसंत आगमन पर नृत्य करता है, यानी ये जो कौन है यहाँ पर, नृत्य यानी कि डांस मोर, और गीत गाता है कोयल, कोयल गा रहा है, और जो नृत्य है वो कौन कर रहा है, मोर। तो मोर यहाँ पर नृत्य कर रहा है यानी डांस कर रहा है। सो अब सेकंड पद्यांश की तरफ बढ़ते हैं। ये सेकंड पद्यांश के आधार पर दो ऐसे प्रश्न तैयार कीजिए जिनके उत्तर निम्नलिखित शब्द हो। अब हमें यहाँ पर एक जो वर्ड दिया है, हमें उसका एक ऐसा क्वेश्चन बनाना है कि उसका सीधा आंसर सुगंध हो। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। वन वन बाग बगीचे में सुहानी क्या उड़ रही है। तो आंसर डायरेक्टली क्या आ जाएगा, वन वन बाग बगीचे में सुहानी क्या उड़ रही है। वन वन बाग बगीचे में सुहानी सुगंध उड़ रही है। तो डायरेक्टली हमारा आंसर ये आना चाहिए, यानी सुगंध। सेकंड, बसंत कौन सा ऋतु सज कर आया है। क्वेश्चन है कौन सा ऋतु, यानी कौन सा सीजन है जो वह सज कर आया है। सो बसंत ऋतु सज कर आया है। तो हमें ऐसे यहाँ पर क्वेश्चंस तैयार करने हैं। आगे पर्यायवाची शब्द लिखिए। पर्यायवाची शब्द यानी समानार्थी शब्द, सिमिलर वर्ड्स जिसे इंग्लिश में उसे कहते हैं, सिमिलर वर्ड्स इंग्लिश में, और मराठी हिंदी में समानार्थी शब्द कहते हैं। जैसे आप कुसुम फूल, मधुप भौरा, कलोल यानी क्रीडा उछल कूद, मंद यानी धीरे धीमा, धीरे और धीमा। तो ये सिमिलर वर्ड्स है, यानी मीनिंग सबका एक ही रहता है पर वर्ड्स कहीं सारे होते हैं, तो उसे पर्यायवाची शब्द भी कहते हैं और समानार्थी शब्द भी, और इंग्लिश में सिमिलर वर्ड्स। अब यहाँ पर है बहुवचन लिखिए, यानी बहुवचन हमें करना है। ऋतु ऋतुए, कली कलिया, यानी एक है तो हमें यहाँ पर बहुवचन लगाना है, एक है तो यहाँ पर हमें कहीं सारा लगाना है। सो ऋतु ऋतुए, कली कलिया। मानक वर्तनी के अनुसार सही शब्द चुनकर लिखिए। मन मकरंद मकरंद मकरंद। अच्छा, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या है कि हमें यहाँ पर सही शब्द, जो सही स्पेलिंग है, हमें यहाँ पर लिखना है। तो ऐसा भी मकरंद लिखा है, ये मकरंद भी लिखा है, और ऐसा भी मकरंद लिखा है। तो यहाँ पर से कौन सा मकरंद सही है। सो हमारा ये वाला मकरंद बराबर है, यानी दिस इज द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द मकरंद। ऋतु ऋतु रोतु और ऋतु, सो सही ऋतु है ये वाला जो यहाँ पर है। यानी कि हमें ऐसे कहीं सारे वर्ड्स देंगे, उसमें उल्टा सुलटा भी हो जाएगा और कभी गलत स्पेलिंग होंगी और कहीं अलग अलग गलत स्पेलिंग लिखी रहेंगी, और उसमें से कोई भी एक सही स्पेलिंग रहेंगी, तो हमें वहाँ पर उसे बॉक्स में सही स्पेलिंग डालना है। लयुक्त शब्दों की जोड़ियां लिखिए। लयुक्त शब्द यानी क्या, लयुक्त शब्द यानी के जो जोड़ी में होते हैं शब्द, उसे लयुक्त शब्द कहते हैं। जैसे मुस्काओ चुराओ उड़ाओ गाओ, लयुक्त शब्द यानी के राइमिंग वर्ड्स, यानी मिल बट सेम साउंड करते हैं, राइम करते हैं एक दूसरे के साथ में, तो उसे लयुक्त शब्द कहते हैं। जैसे मुस्काओ चुराओ उड़ाओ गाओ, तो ये राइम कर रहे हैं, ओ ओ आ रहा है लास्ट में दोनों के,
आगे बढ़ते कृति ख, निम्नलिखित परिच्छेद पढ़कर सूचना के अनुसार कृतियां पूर्ण कीजिए। तो यहाँ पर कृति है, बसंत के आगमन पर खेतों में फूली पीली सरसों। खेतों में बसंत के आगमन यानी बसंत जब आ रहा है उसके आगमन में यानी उसके वेलकम के लिए खेत में क्या फूला है यानी पीली सरसों आई है। आम पर छाया बौर, आम पर क्या छाया है, बौर छाया हुआ है। तो हमें ऐसे पोयम को पढ़कर समझकर ऐसे क्वेश्चंस आएंगे और हमें उसे लिखना है। अब यहाँ पर आया है दूसरा पद्यांश, पीली पीली से लेकर सजी आओ। तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा टेक्स्ट बुक में, सो पीली पीली यहाँ पर क्या है, पीली पीली से लेकर सीजी आओ, यहाँ पर हमारा टेक्स्ट बुक है यानी इस टेक्स्ट बुक के पेज पर हम देख सकते हैं कि वो यहाँ से लेकर यहाँ तक का है। तो ये जो हमारा सेकेंड पैसेज है वो इतने दो स्टैंजा में से हमें उसके सब आंसर्स मिल जाएंगे। सो पद्यांश में इन रंगों का जिक्र है यानी पैसेज में जो रंग आए हैं हमें उसका नाम लिखना है। तो कौन से रंग का जिक्र हुआ है, पीली और हरी, पीला कलर और हरा कलर का जो है, तो कैसे पीली और हरी लिखेंगे हम। पद्यांश में इन अनाजों का जिक्र है, अब यहाँ पर इस पद्यांश में जो खाना है अनाज है तो कौन सा है, सरसों और मटर। सरसों और मटर का ये यहाँ पर अनाज का जिक्र है और ऊपर रंग का पूछा है, तो रंग पीली है और हरी है, अनाज कौन से है, सरसों मटर। पद्यांश में आए शब्द युग्म ढूंढकर लिखिए। अब शब्द युग्म यानी कि जॉइंट वर्ड्स, शब्द युग्म यानी जॉइंट वर्ड्स। सो पीली पीली हरी हरी जो हमेशा ऐसे ऐसे साथ में होते हैं उसे शब्द युग्म कहते हैं। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखिए यानी आंसर इन वन वर्ड। तो जो जो अपरिमित है वो अमित, जो अपरिमित है उसे अमित कहते हैं। आम के वृक्ष की मंजरी बौर, आम के वृक्ष की मंजरी को कहा जाता है बौर यानी आंसर इन वन वर्ड। मानक वर्तनी के शब्द लिखिए, मानक वर्तनी के शब्द लिखिए यानी अरु और अमवा आम। विलोम शब्द लिखिए, विलोम शब्द यानी कि अपोजिट वर्ड जो उल्टा होता है, उसे इंग्लिश में विलोम शब्द को कहते हैं अपोजिट वर्ड। जैसे ऊपर नीचे, फूलना मुरझाना। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखो यानी आंसर इन वन सेंटेंस। सो पहला क्वेश्चन है हमारा, बसंत ऋतु आने पर मधुर क्या करते हैं। सो उत्तर है, बसंत ऋतु आने पर मधु गुनगुन करते इधर से उधर उड़कर फूलों का रस पीते हैं। यानी बसंत ऋतु आने के टाइम मधुर क्या करते हैं, वो मधु गुनगुन करते हैं और इधर से उधर उड़कर फूलों का रस पीते हैं। सेकेंड क्वेश्चन, सुहानी सुगंध कहाँ उड़ती है। सो सुहानी सुगंध कहाँ उड़ती है, उत्तर है सुहानी सुगंध वनों में बागों में उड़ती है यानी जंगल में और बागों में यानी गार्डन में उड़ती है। थर्ड, मोर और कोयल क्या करते हैं। मोर और कोयल यहाँ पर क्या करते हैं, उत्तर है मोर ठुमक ठुमक कर नाचता है यानी वो नृत्य करता है, ठुमक ठुमक कर यानी डांस करता है, और कोयल गीत गाती है यानी वो उसकी अपनी मधुर ध्वनि में कैसा गीत गाती है। फोर्थ, बसंत आने पर सरसों और आम में क्या परिवर्तन आता है यानी क्या दोनों में परिवर्तन आता है यानी दोनों में क्या डिफरेंस आ जाता है, परिवर्तन यानी कि दोनों में चेंजेस क्या आ जाती है, परिवर्तन यानी कि चेंजेस। सो बसंत आने पर सरसों और आम में क्या परिवर्तन आता है, उत्तर है बसंत आने पर सरसों पर पीले पीले फूल, सरसों पर पीले पीले फूल आते हैं और आमों पर बौर आ जाता है। सो स्टूडेंट्स, आज हमने हमारी नोट्स कंप्लीट कर दी है डिस्कस करके। बसंत गीत कविता, बसंत गीत लिखी है चंद्र प्रकाश चंद्र ने। सो
सो स्टूडेंट्स, होप आपको समझ आया होगा ये डिस्कशन नोट्स. सो प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल, लाइक शेयर एंड कॉमेंट, शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड विथ योर क्लासमेट्स. एंड आप हमारी प्लेलिस्ट जाकर जरूर चेक करें, वहां पर आपको मीनिंग विथ एक्सप्लेनेशन आपको हर एक लेसन के हर एक सब्जेक्ट में आपको मिल जाएगा. एंड प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड विथ योर क्लासमेट्स. थैंक यू.